मनरेगा पूरी करते हैं, जो हुड्डा साहब है वो अनाउंस करते हैं उनको ये पूरा करने की सोचते हैं। जनता हुड्डा साहब का क्या हिसाब लेंगे? यूनिवर्सिटी बनाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, खन पर मेडिकल बनाया, हिसाब तो लेंगे ना मांगेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में इतने विकास करवाए, शिक्षा का लगा लो, चाहे गांव में विकास का, पंचायत का लगा लो, चाहे किसानों का लगा लो, चाहे छोटे व्यापारी का लगा लो। कुछ कहना है, सड़कों पे उतरे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहा है, 10 साल का हिसाब मांगेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में इतने विकास करवाए, शिक्षा का लगा लो, चाहे गांव में विकास का, पंचायत का लगा लो, चाहे किसानों का लगा लो, चाहे छोटे व्यापारी का लगा लो, बहुत विकास होया 10 साल में। और यहाँ पर अब 10 साल में, 9.5 साल में इनका मुख्यमंत्री का बदलने का जो था, तो अब क्या है? अब तो ये उन डिमांडों का पूरी करते हैं, जो हुड्डा साहब है वो अनाउंस करते हैं उनको ये पूरा करने की सोचते हैं। अब जनता इनसे बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है और कांग्रेस की सरकार होगी, 80 सीट आएंगी। तो अमित शाह आए थे, वो कह रहे थे कि हिसाब तो हम लेंगे हुड्डा साहब में। हुड्डा साहब का क्या हिसाब लेंगे? यूनिवर्सिटी बनाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, खन पर मेडिकल बनाया, हिसाब तो वो लेंगे ना। कितने गांव में गलिया, चौपाड़, स्टेडियम, पावर हाउस, PHC, उनका हिसाब देखो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास करवा है, जो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 विधानसभा में डोर टू डोर कर दिया, आज जनता का हजूम देखो। ये होती है लहर कांग्रेस पार्टी।